अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुबाब हेल्दी कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं बहुत ही यमी और सुपर सॉफ्ट गुलाब जामुन की रेसिपी। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत क्विक रेसिपी है। 20 से 25 मिनट में ये बहुत ही मज़ेदार गुलाब जामुन आप तैयार कर सकते हैं। सुपर सॉफ्ट और बहुत ही लजीज गुलाब जामुन आप बनाएंगे इस रेसिपी से, तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को और अपना फीडबैक दें मुझे कमेंट्स में। मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतज़ार। तो चलें देखते हैं आज की इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। तो इस रेसिपी के लिए मैंने लिया है एक अंडा बीट किया हुआ, डेढ़ टेबलस्पून तकरीबन लिया है घी, हाफ कप लिया है मिल्क पाउडर, दो से तीन टेबलस्पून मैदा और एक टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और गुलाब जामुन का मिक्सचर रेडी करेंगे। तो एक बाउल में मैंने डाल लेना है पाउडर मिल्क को और मैदे को, और इसमें मैंने ऐड कर लेना है बेकिंग पाउडर। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद मैंने डालना है घी डेढ़ टेबलस्पून, और अंडा थोड़ा थोड़ा करके इसमें हमने शामिल कर लेना है और इसे गून लेना है। तो ये गुलाब जामुन का बैटर रेडी हो चुका है और इसकी मैंने अब हाथ से छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं। इसमें हाथ पे ना घी लगाने की ज़रूरत है क्योंकि घी उसमें ऑलरेडी मौजूद है। बहुत इजीली और सुपर सॉफ्ट ये बॉल्स रेडी हो जाएंगे। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, जितना छोटा साइज़ होगा उतनी जल्दी ये कुक हो जाएंगे और अंदर से बिल्कुल कच्चे नहीं रहेंगे और इनके टूटने के भी चांसेस नहीं हैं क्योंकि इसमें अंडा हमने शामिल किया है। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ईजीली ये गुलाब जामुन हमारे रेडी हो जाएंगे। तो ये कुछ मैंने बनाई हैं राउंड फॉर्म में और कुछ मैंने ओवल शेप में बना लिए हैं। तो दो तरह की शेप में मैं आज बनाऊंगी गुलाब जामुन। अभी हमारे रेडी हो चुके हैं। हम बनाते हैं चीनी और पानी का मिक्सचर जिसे हम चाशनी कहते हैं। गुलाब जामुन की चाशनी तैयार करने के लिए मैंने लिया है तकरीबन दो गिलास पानी और इसमें मैंने ऐड कर देनी है डेढ़ कप चीनी और इसमें शामिल करने हैं चार से पाँच सब्ज़ इलायचियाँ और पानी को हमने बॉयल करना है और बहुत अच्छे से इसे पकाना है ताकि ये गाढ़ा सा एक मिक्सचर रेडी हो जाए। इसके बाद हम इसमें डिप करेंगे गुलाब जामुन। अब करना है हमने गुलाब जामुन को फ्राई, तो मैंने लिया है कुकिंग ऑयल और गुलाब जामुन को शैलो फ्राई करना है। मैंने फ्लेम बहुत लो रखना है और हमने मुसलसल इसकी डायरेक्शंस चेंज करती जानी है ताकि ये किसी एक साइड से ज़्यादा डार्क ना हो। हाथ बिल्कुल नहीं रोकना, मुसलसल एक एक गुलाब जामुन की डायरेक्शन चेंज करते जाना है वरना ये बहुत जल्दी नीचे से जल जाते हैं। बहुत लो फ्लेम मैंने रखा है फिर भी जल्दी जल्दी ये कुक हो रहे हैं क्योंकि इसमें है ड्राई मिल्क पाउडर, तो इसके जलने के बहुत चांसेस हैं और ये हमारे गुलाब जामुन लाइट ब्राउन हो चुके हैं। लाइट ब्राउन ही इनका कलर रखना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना। अगर हम ज़्यादा डार्क करेंगे तो वो बहुत काले से गुलाब जामुन बनते हैं जो कि देखने में बिल्कुल खूबसूरत नहीं लगते। छोटे छोटे हमने बॉल्स बनाए थे तो ये तकरीबन अपनी वॉल्यूम से डबल हो चुके हैं और अभी इन्होंने चाशनी में मज़ीद डबल होना है वॉल्यूम में। तो ये फ्राई हो चुके हैं, इन्हें मैं निकाल के डाल रही हूँ चाशनी वाले पैन में और इसमें चाशनी में इनको डिप होना है अच्छे से। थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। तकरीबन 10 मिनट में ये बहुत अच्छे से रेज हो जाएंगे और इन्हें मैं करूँगी डिश आउट। अब मैं कर रही हूँ इनकी गार्निशिंग। तो मैंने यूज़ किए हैं कटे हुए बादाम और क्रश्ड कोकोनट। तो आप जिस तरह चाहें अपने फ्लेवर के मुताबिक इस पे पिस्ते बादाम जो चाहें लगा सकते हैं और थोड़ा सा मैंने इसमें चाशनी भी ऐड कर दी है। अब हम करते हैं गुलाब जामुनों को टेस्ट। तो ये देखें बहुत ही सॉफ्ट और बहुत अच्छे से अंदर से कुक हुए हैं क्योंकि लो फ्लेम पर हमने इसे बनाया है, ना ही ये जले हैं और ना ही अंदर से कच्चे रहे हैं। तो बहुत एक परफेक्ट रेसिपी है गुलाब जामुन की। बहुत जल्दी 20 से 25 मिनट के अंदर ये गुलाब जामुन रेडी हो जाएंगे। तो जब भी गेस्ट आने हो या मूड हो गुलाब जामुन खाने का तो बिल्कुल इंतज़ार नहीं करें, जल्दी से इस रेसिपी को बनाएं और अपना फीडबैक दें मुझे कमेंट्स में। इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। एंजॉय करें गुलाब जामुन और अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।